गुड मॉर्निंग गाइस, तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं भी बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, आज है कर्मा पूजा और आप सभी को कर्मा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज तो गुड मॉर्निंग हुआ है बारिश के साथ, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो देखिए, छाता वाता लेके निकलना पड़ा है बाहर और बारिश हो रहा है और मैं जा रहा हूँ दूध लाने के लिए। बारिश हो रहा है सुबह सुबह, मौसम तो पूरा ये कर दिया है। अगर बारिश एक समय तक रुक जाए तब तो ठीक है, अगर ऐसा अगर कहीं पड़ते रह गया तो फिर कर्मा पूजा का मज़ा किरकिरा हो जाएगा। और अभी का मौसम देखिए, कल बहुत हवा भी चल रहा था, कल रात को भी काफ़ी हवा चला है और आज सुबह से जब से उठा हूँ सो करके तब से देख रहा हूँ कि बारिश ही हो रहा है। और देखिए अभी आसपास का कुछ ऐसा हो रहा है, मौसम पानी। चलिए आज का दिन शुरुआत करते हैं लेके भोलेनाथ का नाम, हर हर महादेव। और सुबह सुबह खेतों की तरफ एक नज़ारा डालिए, देखिए क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। वाह, कितना अच्छा लग रहा है, पूरा हरा हरा, बहुत बढ़िया। दूध लेके आने में ही दोस्तों बारिश काफ़ी तेज हो गया है, जोर से पड़ने लगा है, क्या किया जाए। अब देखिए पूरा छाता गड़गड़ाहट हो रहा है छाता का, देखिए पूरा बारिश हो रहा है, तेज बारिश। कोई उपाय नहीं है। ओहो हो, मज़ा आ गया आज का बारिश। सुबह पानी। आप तो कहीं जाने का मन नहीं करेगा आज, तो लग रहा है खाली घर में रहना पड़ेगा। क्या कहते हैं भाई लोग, आज तो लग रहा है कि घर में रहने का मौसम कर दिया है। यहाँ अच्छे से पार कर लेते हैं। तो दोस्तों, शाम हो गया, पूजा पाठ का टाइम हो गया कर्मा पूजा का, लेकिन बारिश हो रही है तेज और लगातार हो ही रही है। तो आज जो कर्मा पूजा का मज़ा किरकिरा हो गया है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, भगवान की ही मर्जी है। जो बारिश हो रही तो हो रही है। अभी देखिए ऐसा कुछ नज़ारा है यहाँ का। तो बारिश हो रहा है, कर्मा पूजा में थोड़ा मज़ा आता, अच्छा पूजा पाठ होता, डांस वांस होता, लेकिन गड़बड़ हो गया सब। तो चलिए देखते हैं क्या होता है, और अगर बारिश छूटता है तो नहीं तो फिर ऐसे में ही पूजा पाठ होगा, जैसे भी होगा। तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं दोस्तों, चलिए बने रहिएगा ब्लॉग में। बारिश अभी तो हो ही रही है फिलहाल, और आगे दिखाते हैं फिर आपको। तो आइए दोस्तों, मैं आपको कर्मा पूजा के विशेषता के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों, कर्मा पूजा जो है वो झारखंड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। कर्म पर्व ऊर्जा, बौद्धिकता, शांति और नकारात्मक शक्तियों को दूर और कर सुख समृद्धि लाने वाला एक शुद्धता का प्रतीक है। प्रकृति और संस्कृति का जीवन दर्शन है। कर्म पर्व को ही कर्मा शब्द से, कर्म का मतलब होता है परिश्रम और कर्म
कर्म भाग्य को इंगित करता है। मनुष्य नियमित रूप से अच्छे कर्म करे और भाग्य भी उसका साथ दे, इसी कामना के साथ कर्म देवता की पूजा की जाती है। यह पर्व भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। कर्म देवता की पूजा अर्चना और प्रसाद ग्रहण के बाद रात भर कर्म देवता के चारों ओर घूम घूम कर कर्मा का नृत्य किया जाता है। महिलाएं गोल घेरे और श्रृंखला बनाकर नृत्य करती है और उनके मध्य में पुरुष गायक वादक और नर्तक भी होते हैं और इसी तरह से कर्मा पूजा को संपन्न किया जाता है। ओकर बाद अम्बा बगीचा मालिक से भेंट होलक तो के बताला कि शुरू शुरू कर पाटल अम्बा के अपन इष्ट कुटुम के नवन होवे के लिए नी बांट ले से ने अम्बा में पिलवा लागला। अम्बा बगीचा हाँ चढ़ाई उन्हें कर्माइते कोई मार चढ़ाने दीजिए बारी बारी से चढ़ाने दीजिए। हमारे समिति के सदस्यगण ऐसे अनुरोध है कृपया जो प्रसाद का व्यवस्था किया गया है उसे जल्द से जल्द वितरण करने का कष्ट करेंगे। समय को देखते हुए और हमारे रंगारंग कार्यक्रम का समय हो गया है, जितना जल्द से जल्द हो सके प्रसाद वितरण करने का कष्ट करेंगे। हेलो, हाँ तो जिन लोगों का भाई जिन लोग गाड़ी रास्ता में खड़ा किए हैं कृपया रास्ता से गाड़ी को हटा लेंगे, आने जाने में फिक्र ना हो। कंट्रोली का ये कर्मा पूजा है, यहाँ बहुत अच्छा होता है कर्मा पूजा। तो गाइज हम लोग घर पहुँच गए हैं और अभी लग रहा है कि लाइन भी कटा हुआ है तो कोई उपाय नहीं है, अभी माँ को आवाज़ देते हैं और
तो दोस्तों आज का दिन यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, अपने भाई को सपोर्ट करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।